अस्सलाम वालेकुम आरजू भाई, आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, क्रिटिकल लिफ्ट प्लान किस तरह तैयार करते हैं आरामको में। कोई भी लोड उठाने के लिए जो लिफ्ट प्लान बनाया जाता है वो किस तरह बनाते हैं, क्या क्या चीज़ मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लोड चार्ट के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि पहले लोड चार्ट देखना होता है, लोड चार्ट के मुताबिक बनाना होता है। तो ये है हमारे पास लोड चार्ट, इसमें दो जगह दो ऑप्शन है, एक ये है और दूसरा ये। ये जो लोड चार्ट है ये है 4.5 टन काउंटर वेट का, ये सैन STC 750 का। तो ये जो इसका ये इस साइड वाला है, तो ये 4.5 प्लस 2 टन नीचे जो प्लेट लगी होती है काउंटर वेट की, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेट वाला किस तरह, और बगैर प्लेट के जो काउंटर वेट है वो किस तरह। ये गाइस, तो ये काउंटर वेट है 4.5 टन, इसका पीछे नीचे प्लेट नहीं लगी हुई 2 टन वाली, जिसका 2 टन वेट होता है। अभी मैं दूसरा दिखाता हूँ जिसकी 2 टन की प्लेट लगी हुई है। अभी ये भी क्रेन 750 है, तो इसकी देखें कि नीचे 2 टन की प्लेट लगी हुई है जो लोड चार्ट में दी हुई थी, 2 टन एक्स्ट्रा वेट है पीछे जी। तो अभी आ जाते हैं लिफ्ट प्लान की तरफ, तो देखते हैं ये हमारी क्रेन है, इधर देखते हैं, आ जाते हैं लिफ्टिंग डेटा। लिफ्टिंग डेटा भाई कौन सी चीज़ उठा रहे हैं, केबल ड्रम, क्रेन मॉडल कौन सा, STC 750, क्रेन कैपेसिटी 75 टन, काउंटर वेट इसका जो लगा है वो 4500 kg है, बूम लेंथ कितना 20.1 निकालना है, रेडियस 10 मीटर, लोड वेट जो हमने उठाना है वो कितना है 10 टन, लोड हैंडलिंग डिवाइसेस जो हुक ब्लॉक और एक्सेलरी का जो वेट है 950 kg वो आता है, ग्रॉस लोड वेट ये 10 टन जो हमने उठाना है, और दूसरा ये लोड हैंडलिंग डिवाइसेस का लोड जब इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा 10 टन 950 kg। आगे आ जाता है लोड चार्ट कैपेसिटी, लोड चार्ट पे कितनी कैपेसिटी आती है, ये 17 टन आ रही है। अभी इधर आते हैं लोड चार्ट पे देखते हैं कैपेसिटी, 10 मीटर रेडियस, 10 रेडियस 20.1, 10 रेडियस 20.1, ये आ गई हमारे पास 17 टन। आपको शायद वाजह नज़र आ रहा हो, ये 17 टन कैपेसिटी आ गई हमारे पास, तो इधर 17 टन लिखा हुआ है, परसेंटेज कितने परसेंट पे आ रही है, 64.3 पे। तो अभी आ जाते हैं लिफ्ट प्लान जो बनाते हैं उस पर। ये लिफ्ट प्लान, क्रिटिकल लिफ्ट प्लान, तो ये तो ऊपर नेम और डेट वगैरह डालनी है। आगे आ जाते हैं ये इंस्पेक्शन स्टिकर जो है, ओके वैलिड है, इसकी एक्सपायरी डेट, क्रेन का जो डोर नंबर होता है वो कौन सा है 171, क्रेन का मॉडल कौन सा STC 750 है, क्रेन टाइप कौन सा है TM यानी कि ट्रक माउंटेड, तो क्रेन रेटेड कैपेसिटी कितनी है, कितने टन की क्रेन है 75 टन की। तो आगे इसके आ जाता है कि सिंगल लाइन पुली कैपेसिटी की, एक लाइन की कितनी कैपेसिटी है, एक पार्ट ऑफ लाइन की, इसके 6 टन और 250 kg आएगी। तो अभी हमारी हुक कितने पार्ट ऑफ लाइन में है, 4 पार्ट ऑफ लाइन में है, टोटल ग्रास कैपेसिटी हुक ब्लॉक एज रेट, तो जो टोटल ग्रास कैपेसिटी बनती है इन 4 पार्ट ऑफ लाइन की, तो वो 25 टन बनती है 4 पार्ट ऑफ लाइन की ग्रास कैपेसिटी। तो इधर आ जाते हैं अटैचमेंट है, स्विंग अवे जेप है, ये चीज़ नहीं लगी हुई, फ्लाई भी आगे नहीं लगी हुई, ये भी नहीं है। आगे हुक ब्लॉक मेन जो यूज़ कर रहे हैं उसका 800 kg वेट है, एक्सेलरी ये भी नहीं यूज़ कर रहे, हेडेज बॉल नहीं है,
ये आ गया लिफ्टिंग बीम, ये भी नहीं है। तो आगे आ जाते हैं टैग लाइन, ये यूज़ होगी, ये इधर इसमें लिखा हुआ है। आगे जा जाते हैं वेट ऑफ लोड हैंडलिंग डिवाइसेस, जो लोड हैंडलिंग डिवाइसेस हैं उनका कितना वेट है, उनका 940 kg। उसके बाद आगे आ जाते हैं वेट ऑफ द लोड सेक्शन ए, इसका कितना लोड है जो आप उठा रहे हैं, वो 10 टन है। तो आगे ये टोटल ग्रास वेट पूछ रहा है, तो ये हमने दोनों प्लस करने हैं, तो ये 10 टन और 940 kg आ जाएगा। इधर आ गया रिक्वायर्ड बूम लेंथ 20.1, उस पर बूम एंगल आया 53। रिक्वायर्ड काउंटर वेट, जो हमारे पास काउंटर वेट लगा हुआ है 4 टन 500 kg का है। ऑपरेशन रेडियस 10 मीटर है, जो लिफ्टिंग करनी है वो 360 डिग्री पे करनी है पूरा, यानी 360 पे क्रेन घूमेगा। तो जो सिलिंग यूज़ कर रहे हैं डबल बस का टाइटिच है, तो सिलिंग की जो टाइप है तो वो वेब सिलिंग है। सिलिंग का साइज 5 इंच है, जबकि सिलिंग की लेंथ 8 मीटर है। शागल नहीं चूज़ कर रहे। कैपेसिटी ऑफ अबव कॉन्फ़िगरेशन, यानी कैपेसिटी कितने तक इसकी बन रही है इस जगह पे, 17 टन 320। तो आगे अभी आ जाते हैं, ये तो लिखा होता है सब जो लिखा हुआ, नीचे बस आ जाएगा। इधर आएगा रिगर का नेम और सिग्नेचर, इधर क्रेन ऑपरेटर आएगा, और ये आएगा इसका परमिट रिसीवर का। ये आ जाता है, इसमें लिखा होता है विंड स्पीड के बारे में, या जो आप लिफ्टिंग कर रहे हैं वो ओके, वो सब इसमें लिखा होता है। तो ये होता है लिफ्टिंग प्लान, और ये होता है इसका तरीका लिफ्टिंग प्लान बनाने का।